इन दिनों भारत लगातार आर्थिक संकट की चपेट में है। जहां एक ओर रुपए में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या है रुपए कमजोर होने की बड़ी वजह? डॉलर में लगातार आ रही मजबूती और तुर्की में जारी आर्थिक संकट ने रुपए को कमजोर किया है। इन दो वजहों से लगातार रुपए में गिरावट जारी है। पिछली 24 तारीख को रुपए ने डॉलर के मुकाबले 70.19 के स्तर पर शुरुआत की है। इससे पहले 23 तारीख को रुपया 70.11 के स्तर पर बंद हुआ था। इस दिन रुपए ने 30 पैसे की गिरावट के साथ कारोबार बंद किया था। वहीं कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन रुपए ने शुरुआत भी गिरावट के साथ की थी। इसके चलते डॉलर एक बार फिर 70 के पार पहुँच गया है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि रुपए में इतनी भी गिरावट नहीं आई कि हमें परेशान होना पड़े। तो दूसरी ओर क्यों बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमत? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार जारी बढ़ोतरी के लिए गिरता रुपया और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें जिम्मेदार है। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट जारी है। कच्चा तेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। इसके चलते तेल कंपनियों की लागत में काफी इजाफा हो रहा है। इन सब वजहों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इस समय पेट्रोल की कीमत 86 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। मुंबई में डीजल 74.5 प्रति लीटर की दर पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में जहां डीजल की कीमत 69.75 के स्तर पर पहुँच गई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 78.18 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। अगर इसी तरह की स्थिति आने वाले समय में भी बरकरार रही, तो ये भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।